नमस्ते तथा वत्सल्य मातृभूमि जय हिंद। दोस्तों शुरू करते हैं अभी तक के डिफेंस अपडेट्स को। भारतीय वायुसेना ने इंडियन ऑयल कॉर्पोरेशन लिमिटेड के सहयोग से अपने विभिन्न वाहनों के बेड़े के लिए फ्लीट कार्ट फ्यूल ऑन मूव की शुरुआत की है। इसके साथ ही इंडियन ऑयल कॉर्पोरेशन लिमिटेड ने ईंधन आपूर्ति श्रृंखला का प्रबंधन करने के मामले में एक बड़ी छलांग लगाई है और इंडियन एयरफोर्स के द्वारा की गई ये पहल ईंधन के लॉजिस्टिक मैनेजमेंट के मामले में बड़ी तब्दीली लाएगी। बता दें कि फ्लीट कार्ट के उपलब्धता से संबंधित काफिले यानी कि कॉन्वॉय को किसी भी IOCL ईंधन स्टेशनों से ईंधन भरने की अनुमति होगी, जिससे उनकी आवाजाही की रफ्तार तो बढ़ेगी और देश भर में ऑपरेशनल लोकेशनों पर उनके तैयार रहने का समय घटेगा। नौसेना प्रमुख एडमिरल आर हरिकुमार जी वॉयस स्क्वाड्रन P-8I विमान 316 की कमिशनिंग के लिए गोवा के INS हंसा पर पहुंचे। इस दौरान उन्हें गार्ड ऑफ ऑनर भी दिया गया। नौसेना प्रमुख एडमिरल आर हरिकुमार की मौजूदगी में P-8I विमान को INS हंसा में कमीशन किया गया। बता दें कि ये विमान अपनी समुद्री टोही और पनडुब्बी रोधी लड़ाकू क्षमताओं से लैस है। साथ ही इस विमान का इस्तेमाल आपदा राहत और मानवीय अभियानों में किया जा सकता है। INS 316 हिंद महासागर क्षेत्र यानी कि IOR में राष्ट्र में किसी भी खतरे को रोकने, पता लगाने और नष्ट करने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाता है। कश्मीर से लद्दाख के बीच दूरी को कम करने के लिए जोजिला सुरंग को तेजी से तैयार करने के लिए कहा गया है। इस सुरंग के बन जाने के बाद सेना आसानी से कश्मीर से लद्दाख पहुंच जाएगी। दोस्तों बता दें कि ये भारत के उन चुनिंदा डेवलपमेंट प्रोजेक्ट्स में से एक है जो कि अपनी तय सीमा से पहले तैयार हो जाएगा। जोजिला सुरंग को तैयार करने के लिए नवंबर 2026 की समय सीमा रखी गई है। वहीं अधिकारियों का कहना है कि इसे तेजी से काम करके सितंबर 2024 तक तैयार कर लिया जाएगा। रिपोर्ट्स की माने तो भारतीय फौज इमरजेंसी में इसका इस्तेमाल कर पाएगी। बता दें कि जोजिला सुरंग की सबसे पहले जरूरत 1999 में कारगिल की लड़ाई के दौरान महसूस की गई थी। दोस्तों HAL का लिफ्ट संस्करण ट्रेनर डिफेंस सर्विसेज एशिया एग्जीबिशन में हिस्सा लेगा। वहीं आपको मालूम ही है कि तेजस रॉयल मलेशियन एयरफोर्स टेंडर में भी है। रॉयल मलेशियन एयरफोर्स 36 लाइट कॉम्बैट एयरक्राफ्ट को दो फेस में अधिग्रहित करेगी। बता दें कि रॉयल मलेशियन एयरफोर्स ने MiG-35 को रिजेक्ट कर दिया है क्योंकि इसकी जो मेंटेनेंस कॉस्ट है वो काफी ज्यादा है। वहीं चाइना के JF-17 के चांसेस भी कम होते हुए नजर आ रहे हैं क्योंकि इसमें भी रशियन इंजन लगा हुआ है। ऐसे में जब रशियन एंटरप्राइजेस पर प्रतिबंध लग रहे हैं तो ऐसे में मलेशिया JF-17 को नहीं खरीदेगा। वहीं रॉयल मलेशियन एयरफोर्स की तरफ से कहा गया है कि जीतने वाले वेंडर के साथ वे अगले साल लीमा एयर शो 2023 में फाइटर जेट्स की डील को साइन करेंगे। J&K पुलिस ने जेन टेक्नोलॉजी के साथ एक कॉन्ट्रैक्ट किया है जिसमें की कुछ संख्या में जेन शूट एच को लिया जाएगा जो कि एडवांस कॉर्नर शॉट वेपन सिस्टम है जिसे जेन टेक्नोलॉजी ने बनाया है और DRDO ने उन्हें इसके लिए ट्रांसफर ऑफ टेक्नोलॉजी दी थी। बता दें कि इसे 9mm के पिस्टल और 40mm के ग्रेनेड लॉन्चर में समायोजित किया जा सकता है। तो दोस्तों ये था टॉप डिफेंस स्पेस अपडेट्स। वीडियो के समय कोई प्रश्न जवाब आपका सवाल है कमेंट सेक्शन में लेकर जरूर पूछ सकते हैं। मिलता है वीडियो के साथ। जय हिंद, वंदे मातरम।